हाय माय स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करने वाली हूँ अपना सेल्फ हेयर कट, और किस तरीके का हेयर कट है पूरा एंड में आपको मेरा फाइनल लुक देखने को मिलेगा, और अच्छे से वीडियो पूरा समझाया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ये वीडियो देख के बहुत सारे लोगों को अपना खुद का हेयर कट करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, और ये हेयर कट काफ़ी वर्क करता है। मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैं बहुत सारी वीडियो सेल्फ हेयर कट की अपलोड की थी, जो कि खुद से ही स्ट्रेट यू सब बताती हूँ मैं। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कर लेना। और आज भी मैं अपना लॉन्ग टू शॉर्ट स्ट्रेट ही हेयर कट करने वाली हूँ। तो किस तरीके का हेयर कट है सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो थोड़ी सी भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जुड़ जाएँ मेरे चैनल के साथ। तो हेयर कट स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से गीला करके कॉम कर लीजिए। उसके लिए आपको एक स्प्रे बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे आप जैसे नहा के आते हो तो भी आप अपने हेयर को गीला कर सकते हो। इसका जो ये होता है ना, ये वाला पार्लर में ये सब अक्सर जानना चाहिए। जैसे आप ऐसे कर रहे हो तो देखिए अभी पानी नहीं निकल रहा है, तो इसको आप धोकर ऐसे करो और अच्छे से इसको ओपन कर लो, ढीला कर लो। मैं बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए आने लग गया पानी, दो तीन बार ऐसे ओपन करिए, इसको थोड़ा सा ढीला करिए तो अच्छे से पानी आने लग जाएगा। और भी ये थोड़ा मोटा था मेरा, इसको और पतला करने के लिए सावर टाइप का आएगा इसको थोड़ा, उसके बाद से आप इसको टाइट कर लीजिए तो ये सावर टाइप का इस टाइप का दिखेगा। ये देखो, ओके, अच्छे से बालों को गीला कीजिए। गीला करके कटिंग करने से आपकी कटिंग हमेशा परफेक्ट आती है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। आप देख सकते हो मेरे बालों की लेंथ, ओके। इसको अगर आप ढीला करोगे तो ये एक जगह पानी फेंकेगा, और थोड़ा सा टाइट करके स्प्रे करोगे तो पूरा फैला के फेंकेगा, और आपके बालों को गीला करने में अच्छा रहेगा। और हम इसे मतलब मेरे व्यूवर्स पूछते हैं, कई बार मैं बहुत ज़्यादा ऑयल की रहती हूँ तो बाल मेरे ब्लैक दिखते हैं, कि मैम आपके बालों का कलर ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं होता, जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल करोगे आपके, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, तो आपके बाल के कलर कम दिखने लग जाते हैं। आप देख सकते हो अभी मेरा कितना ज़्यादा ब्राउन दिख रहा था, अभी ब्लैक दिखने लग गया। तो ऐसा होता है, ये तो बालों की कलर अभी वैसी ही है। ये जैसे हम लोग हाईलाइट करते हैं, कलर करते हैं, तो बालों का कलर ख़त्म नहीं होता जब तक आप बालों को कटिंग नहीं करोगे, ओके। तो बालों को कट करने के लिए पहले मैंने गीला कर लिया, और मैंने ये वाला हेयर कलर कैसे किया था उसका वीडियो भी पोस्ट हो चुका है, तो आप उसको चेक कर लेना। तो बालों को गीला करने के बाद से बीच की मांग निकालनी है, मिडल पार्टिंग कर लेनी है आपको बालों की। इस तरीके से अब बहुत जल्दी मैं अपने ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में हेयर कट भी लेके आने वाली हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और जिसको भी पार्लर का कोर्स सीखना हो प्लीज़ मेरे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आप ऑलरेडी ज्वाइन हो जाओगे। और उसके बाद से मैं रात को 8:30 बजे लाइव आके सिखाती हूँ, और ऐसे भी ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में बहुत सारी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप चेक जरूर करना। तो इस तरीके से आपको पहले बालों को कॉम कर लेना है, उसके बाद आपको 2 रबड़ बैंड लगाने हैं, तो मैं रबड़ बैंड लेके आती हूँ। तो मैं ये रबड़ बैंड ले आई, उसको आपको अपने यहाँ पे इस तरीके से रबड़ बैंड को लगाना है, एकदम अच्छे से कॉम करते हुए। ओके, इस तरीके से कट करोगे काफ़ी हेल्प मिलेगा, और ये वर्क करता है, बहुत ही अच्छे से कटिंग हो जाएगी। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी रबड़ बैंड लगाना है।
ओके। उसके बाद आपको जितना हेयर कट करना है वहाँ पे एक एक रबर बैंड और लगा लीजिए। तो ये दोनों को नाप के एकदम बराबर में, देखिए यहाँ आ रहा है एकदम लिप्स के यहाँ पे बीच में, एकदम यहाँ पे एक और रबर बैंड लगा लीजिए। ओके, तो ये देखिए एकदम बराबर में होना चाहिए, ऊपर नीचे हो तो आप इसको थोड़ा सा घिसका लो। ठीक है, उसके बाद से जितना आपने रबड़ बैंड लगाया है उसके थोड़ा सा नीचे से आप इस तरीके से कट करोगे। ओके, एकदम स्ट्रेट आप देख सकते हो इतनी लेंथ निकली है, 2 से 3 इंच, अभी और भी कट होगा, आप देखते रहो वीडियो। एकदम स्ट्रेट कट कर लेना है इसको नाप के। यहाँ से ओके, एकदम बराबर है। इतनी हेयर कट हुई है, अब इसको ओपन कर लो। और बैक साइड ले जाके इसको चेक कीजिए कि अच्छे से कट हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा, उसके बाद उसको दोबारा से कट कर लीजिए आप। अगर आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है तो कोई बात नहीं, और फिर भी अगर ऊपर नीचे लगे तो आपको फिर से कैसे कट करना है वो मैं बता देती हूँ। तो ये इस तरीके का कुछ कट आया है, उसके बाद से दोबारा से आपको चेक करना है कि आपका हेयर अच्छे से कट हुआ है कि नहीं। उसके लिए आपको दोबारा से मीटर पार्टिंग कर लेनी है और सारे बालों को फ्रंट में लेके आइए। तो इस तरीके से कॉम करने के बाद से सारे बालों को फ्रंट में लाइए और एकदम बीच में ला के यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा लीजिए अच्छे से कॉम करते हुए। ओके, बिल्कुल भी मैं वीडियो फास्ट नहीं कर रही ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद से आप इसको चेक कीजिए जितना भी ऊपर नीचे हो, ये देख सकते हो, तो ये जितना भी ऊपर नीचे आपको दिखे उसको आप इस तरीके से कट कर दीजिए। वैसे मैंने पहले कट किया था बट वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई इसलिए मैंने दोबारा से कट करना पड़ा। इस तरीके से एकदम स्ट्रेट कट कर दीजिए, उसके बाद से आपका हेयर एकदम स्ट्रेट दिखेगा, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं आएगा। बैक साइड से भी देख लीजिए आप लोग, तो ये जितना भी ऊपर नीचे आपको दिखे उसको आप इस तरीके से कट कर दीजिए। वैसे मैंने पहले कट किया था बट वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई इसलिए मैंने दोबारा से कट करना पड़ा। इस तरीके से एकदम स्ट्रेट कट कर दीजिए, उसके बाद से आपका हेयर एकदम स्ट्रेट दिखेगा, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं आएगा। बैक साइड से भी देख लीजिए आप लोग, तो ये है मेरे हेयर का फाइनल लुक बैक साइड से। अभी मैं वीडियो में भी दिखा देती हूँ, पूरा अच्छे से कट हो जाएगा आपका। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देख सकते हो ये फ्रंट से भी कितना मस्त स्ट्रेट दिख रहा है और बैक से भी पूरा स्ट्रेट दिख रहा है। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिली होगी, आप देख सकते हो बैक से भी पूरा स्ट्रेट दिख रहा है। तो आप इस तरीके से हेयर कट कर सकते हो।
खुद बिना किसी की हेल्प लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के साथ जुड़िएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, मेरा यहाँ तक हेयर की लेंथ थी और इतना कट किया मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके बाय गाइज़।